अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। आपको आगाह करते चलें कि आज पाकिस्तान के बहुत ही बड़े सियासतदान, नामवर सियासतदान पे कातिलाना हमला किया गया है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करते वक्त घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले और वक्त पर मिल सके। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जारी है। 25 जुलाई 2021 को आज़ाद कश्मीर असम्बली के नए इलेक्शन करेंगे और राजा परवेज अशरफ की जगह पे नए वजीर आजम को सेलेक्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक तीनों जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। तमाम सियासी जमातें अपना वजीर आजम लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं और मेहनत उनकी जारी है, लेकिन इसी मेहनत के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमला किया गया, लेकिन वो कातिलाना हमले में मामूली ज़ख्मी हुए और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की।